अगर आप में इतना चटोरे हैं और हर थोड़े दिन में कुछ नया खाने का मन करता है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये डिलीशियस कटलेट्स की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है। और इसे बनाने के लिए मैंने एक सब्जी का यूज किया है, जो ये सब्जी नहीं खाते हैं वो भी इसे खाने लग जाएंगे। और हाँ, आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बना रहे हैं पम्पकिन, जिसे पेठा या कद्दू भी कहा जाता है, उसके कटलेट्स। तो चलो आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में डालेंगे आधा चम्मच घी। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन। फिर इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप जितना तीखा खाते हैं उतनी हरी मिर्च ऐड करें। एक टीस्पून बारीक चॉप की हुई अदरक, थोड़ा सा करी पत्ता। अभी इसमें ऐड करेंगे पम्पकिन यानी कि कद्दू। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कद्दू को अच्छे से धोकर उसका छिलका उतार लिया था और फिर इन्हें छोटे पीसेस में काट लिया था। फिर डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसे पैन में ही बनाएं, कुकर में नहीं बनाएं, नहीं तो ये कद्दू पानी से भर जाएगा। इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक ये गल नहीं जाता है। साथ ही एक चटनी भी बना लेते हैं। तो एक ब्लेंडर जार में डालेंगे 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 3-4 सोखी हुई लाल मिर्च, 1/4 कप पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है, तो थोड़ा थोड़ा कर ऐड करें और फिर इसे ब्लेंड कर लें। इस चटनी को आप तड़का लगाकर डोसा या इडली के साथ सर्व कर सकते हैं और व्रत में तो आराम से खा सकते हैं। चटनी रेडी है, चलिए देखते हैं कद्दू भी पक गया होगा। अभी फ्लेम को हाई कर सारा पानी सुखा लेना है। जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा, मतलब कि मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, इसे मैश कर लेंगे। बहुत लोग ये कद्दू की सब्जी नहीं खाते हैं, तो एक बार आप ये कटलेट बनाकर देखें, काफी पसंद आएगी। कद्दू अच्छे से मैश हो गया है, बस ध्यान ये रखें कि ये गीला नहीं होना चाहिए। कटलेट बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे मैश किया हुआ पम्पकिन, 1/4 कप ग्रेट किया हुआ पनीर, ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, 3-4 टेबलस्पून कुट्टू का आटा या कोई भी व्रत वाला आटा। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। बस अब इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो कुट्टू के आटे की जगह कॉर्नफ्लावर, सूजी या ब्रेड क्रम्स कुछ भी डाल सकते हैं। पर हाँ, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कटलेट का टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए कद्दू का मॉइस्चर पूरा खत्म होने के बाद ही कटलेट्स बनाएं। मैंने इसमें थोड़े से तेल और चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। अभी हाथों को घी या फिर थोड़ा सा पानी लगाकर ग्रीस कर ले। हाथों में मिक्सर लेकर इसकी कटलेट्स बना लें। आप चाहें तो इस तरह सिलेंडर शेप बना सकते हैं या फिर राउंड टिक्की का शेप भी दे सकते हैं। एक और कटलेट बना के दिखाती हूँ आपको, आप भी इसी तरह सारी कटलेट्स बना लें। तो मैंने यहाँ पे सारी कटलेट्स रेडी कर ली है। अभी इन्हें सेकना है। बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस 2-3 मिनट के लिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। इन कटलेट्स को सेकने के लिए एक पैन में डालेंगे घी। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का यूज भी कर सकते हैं। अभी फ्लेम को मीडियम कर सारी कटलेट्स को सेक लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए धीरे धीरे घुमाते हुए सारी साइड से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। अगर आप व्रत में अभी भी वही बोरिंग सा साबूदाना खिचड़ी, सामक के चावल या फिर कुट्टू की रोटी खा रहे हैं, तो एक बार इस कटलेट को ट्राई कर देखें। तो ये हमारे पम्पकिन कटलेट्स रेडी हो गए हैं। लग रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया, खाने में इससे कहीं ज्यादा डिलीशियस थे। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और जो लोग पम्पकिन नहीं खाते हैं उन्हें तो जरूर बनाकर खिलाएं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।